वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूँ सव्यसाची, आपको स्वागत कर रहा हूँ ICSE क्लास 10 के फिजिक्स के लेक्चर्स में। और हम लोग पहुँच चुके हैं लाइट मॉड्यूल्स का पहला चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऑन प्लेन सर्फेसेस, उसका लास्ट पार्ट में, मतलब आज का लास्ट लेक्चर है जिसमें ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन आप क्लास 9 पे पढ़ चुके हैं, ये जो है रिफ्रैक्शन का पार्ट है। रिफ्रैक्शन होते होते क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो इंटरनली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और वो नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता है उससे भी बेहतर रिफ्लेक्शन हम पाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये होता कैसे है, कैसे किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम लोग इसको एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के स्लाइड्स पे। और बिल्कुल शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे जो ये चैनल है वो पहुंच जाए और वो लोग बेनिफिट ले पाए और ICSE जो बोर्ड का एग्ज़ाम्स है घर पे बैठ के प्रिपेयर कर पाए, यही मेरा मोटिव है। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में। हम लोग का यहाँ पे एक दिया हुआ है ग्लास सरफेस। हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये हम लोग का जो पढ़े हैं चीज़ का एक एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग कुछ केस स्टडीज़ करेंगे यहाँ पे, इससे आपको पता चल जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल है, हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ये मेरा एयर मीडियम है और ये मेरा क्या है, ग्लास मीडियम है। ग्लास, एयर से ग्लास हम लोग देख चुके हैं, एयर से वाटर देख चुके हैं। ऐसे ही हम लोग एक बार देखे ये भी थे कि हम लोग का जो ग्लास से जब एयर पर जाएगा, ग्लास से जब एयर पर जाएगा तब कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। पहले मैं यहाँ पे एक लाल कलर से करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक करता हूँ एंगल, ये मेरा एंगल है जो कि थीटा। ये एंगल थीटा पे क्या किया, इंसिडेंट किया ये मेरा लाल लाइट को। ये जब इंसिडेंट करेगा इस पॉइंट पे, ये मेरा नॉर्मल लाइन है। अब ये थीटा से ग्रेटर एंगल पे क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करने वाला, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट किया आर वन, ये मेरा इंसिडेंट था आई वन मान लीजिए, ठीक है। ये केस लिया। अब मान लीजिए मैं क्या किया है, इसको और थोड़ा एंगल इसका बढ़ाया, ठीक है, ये ब्लू लाइट से दिखा रहा हूँ। तो ये जो ब्लू लाइट से क्या दिखाऊंगा, मैं क्या किया, एंगल को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और थोड़ा इंसिडेंट किया। अब मान लीजिए एक अब मान लीजिए ये जो है मेरा ऐसे, ये जो एंगल पे, ये एक एंगल पे इंसिडेंट किया, ये था मेरा नॉर्मल से आई टू एंगल पे। तब क्या किया, ये और थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा जो कि उससे ज़्यादा होगा, ये आर टू मान लीजिए। अब ऐसा होते होते एक एंगल ऐसा भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जो क्या होगा, मेरे मान लीजिए और भी बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये वाला मेरा आई थ्री है। अब इस केस में क्या होता है, मेरा जो ये जो लाइट है वो क्या करता है, पूरा पैरेलली ये जो सरफेस है उसी के बराबर जाएगा, सही है ना। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये धीरे धीरे मुड़ के फिर इस ये लाइन पे मेरा ये भी लाइट जा रहा है। तो इस जो एंगल को, यहाँ पे जो एंगल आया, मैं इसको बोल देता हूँ आई सी, ठीक है। ये जो एंगल आया है, जिस एंगल पे मेरा जब लाइट इंसिडेंट करता है तो वो पैरेलली सरफेस से होके निकलता है, ठीक है। क्योंकि मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल जो है आर सी, वो तो बड़ा होना चाहिए आई सी से, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री ये जो बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा मेरा रिफ्रैक्शन आर सी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या होगा, और कुछ मैं क्या करता हूँ, अब मैं मन तो माना नहीं, और भी मैं उसको क्या किया, आई को बढ़ाने लगा। ये जो एंगल मैं अब दिया, नया वाला एंगल, ये वायोलेट कलर का, अब ये जो एंगल है वो जो ये क्या है, ग्रेटर देन आई सी मैंने दिया। अब ग्रेटर देन आई सी जब मैं देता हूँ, क्या देखा, ये लाइट क्या होता है, और बाहर ही नहीं निकल रहा है, पूरा यहाँ से रिफ्लेक्ट किया। तो मतलब जितना एंगल आईसी बनाया था, उतना एंगल आईसी में ये पूरा लाइट क्या है, उसी मीडियम पे वापस चला गया, मतलब ग्लास मीडियम पे वापस आ गया, उसी एंगल आईसी से ग्रेटर पे जो दिया था उसी एंगल पे, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग केस स्टडी किए कि मेरा
धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गया तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया जिसमें मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, 90 डिग्री पहुंच गया। वो एंगल 90 डिग्री रिफ्रैक्शन जब हुआ, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो जो क्रिटिकल एंगल है ना, उस क्रिटिकल एंगल के बाद जो भी मैं इंसिडेंस बढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंट कराता हूँ तो मेरा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मेरा फिनोमिना, एक नया चीज, नया फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली में रिफ्रैक्शन है, पर वो रिफ्लेक्शन है। जब रिफ्रैक्शन नहीं कर पाता है इंटरनली, वो रिफ्लेक्ट करता है, तब उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब 100% लाइट क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ऐसे मिरर पे जब डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, हम लोग बोलते हैं ना लाइट क्या है, थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है, मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट करता है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। वैसे ही जब ट्रांसपेरेंट रहता है, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट रहता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर लेता है। पर इस केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, हम परफेक्टली मिरर तो नहीं ले सकते, पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो परफेक्टली 100% रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, लाइट को हम लोग क्या कंजर्व कर पाते हैं। ठीक है, लाइट को कंजर्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चला, एक तो पता चला आईसी जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है। मतलब ये क्रिटिकल एंगल से, मैं इसका डेफिनेशन अगर बताऊँ कि क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which we get the angle of refraction as 90 degree. ठीक है, when a light passes from a denser medium to rarer medium. तो यहाँ पे बहुत important चीज क्या है, denser medium से light जो है denser to rarer जाना चाहिए। denser से rarer जाएगा तभी मेरा mu less than 1 होगा, और mu less than 1 होने से मेरा क्या होगा, लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे मूव करते करते वो हो जाएगा 90 डिग्री। उस 90 डिग्री जब रिफ्रैक्शन मेरा पहुंचेगा 90 डिग्री पे, उस जो जिस एंगल पे मैं इंसिडेंट किया होगा उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये इंसिडेंस का एंगल है जिसमें रिफ्रैक्शन जो है मुझे 90 डिग्री मिल जाता है। उससे ज़्यादा होने से मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, उससे ज़्यादा होने से मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। थोड़ा अब आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में बढ़ते ही हम लोग का ये है कि हम लोग का ऐसे ही गिर रहा था, यहाँ पे एक नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल, और यहाँ से मेरा जो लाइट आ रहा था, रे ऑफ लाइट, वो एट एन एंगल आई था, और तब वो क्या हो जाता, यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्ट होके पैरेलल टू सरफेस आ रहा था, जिसको मैं आर मानता हूँ। मैथ्स में मैं इसको कैसे लिखूंगा, जा कहाँ से रहा है, ग्लास से, तो ग्लास टू एयर अगर म्यू लिखता हूँ तो हो जाएगा वो साइन आई सी बाय साइन आर, सिंपल है। अब ये हमारा स्नेल्स लॉ से आया। अब ये जो लिखा मैं, ये IC मेरा कितना है, क्रिटिकल एंगल है, और R जो है साइन R, ये R जो है अभी कितना है, 90 डिग्री आ रहा है, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन IC बाय साइन 90। तो ये मेरा बन जाता है साइन IC, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो मेरा जीरो है। अब ये जो था मेरा म्यू ऑफ ग्लास टू एयर था, पर मुझे लिखना किसका है, ग्लास का लिखना है, तो म्यू ग्लास एयर टू ग्लास लिखूंगा, तो वो हो जाएगा 1 बाय म्यू ऑफ ग्लास बाय ग्लास टू एयर। ठीक है, तो इसको मैं 1 बाय साइन आईसी लिख सकता हूँ, साइन आईसी। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा कितना, कोसेक आईसी। तो कोसेक आईसी जो है वो कितना होगा, ग्लास का हम लोग को पता है, एयर टू ग्लास में जो हम लोग का आता है वो आता है 3/2, या बोलते हैं 1.5। तो कोसेक आईसी अगर मेरा 1.5 होता है, इसका मतलब मेरा एंगल जो आईसी आ रहा है, मतलब इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल आ रहा है वो आ जाता है, हम कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में, तो वो आता है 42 डिग्री, सिंपल है। तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए पता चल गया, जो कि है 42 डिग्री। वैसे ही सेम चीज अगर हम निकालेंगे ग्लास टू वाटर, मतलब वाटर का निकालेंगे सेम प्रोसेस पे, तो इन केस ऑफ वाटर, वाटर पे क्या आता है, मेरा क्रिटिकल एंगल जो आता है वो आता है 49 डिग्री
ठीक है 49 डिग्री। तो इसका मतलब यह है मेरा जो क्रिटिकल एंगल है मतलब 42 डिग्री से ज़्यादा अगर मैं इंसिडेंट कराता हूँ एक ग्लास के मीडियम पे, तो मेरा क्या हो जाता है वो उससे फिर रिफ्लेक्ट करने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब मेरा यहाँ जो 42 डिग्री है उससे ज़्यादा पे मैं अगर इंसिडेंट कराता हूँ लाइट, जैसे ये वाला लाल लाइट, सॉरी जैसे मेरा ये वाला लाल लाइट आया यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो ये एंगल जो है ग्रेटर देन आईसी है, तो इसका मतलब ये अब क्या करने वाला है यहाँ से रिफ्लेक्ट करने वाला है। कितना, जितना एंगल आईसी यहाँ पे जितना एंगल से इंसिडेंट किया था आई से, उतना एंगल से वह वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मत दिखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया ऐसे रिफ्लेक्ट करने वाला है। यही चीज वाटर के लिए क्या हो जाएगा 49 डिग्री पे हो जाएगा। इसमें और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का डायमंड है ना, डायमंड जो है उसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस डायमंड के लिए, ये एक फैक्ट है जो कि उसका होता है 25 डिग्री। 25 डिग्री मतलब लाइट जो अंदर जाता है डायमंड, ये जो डायमंड है ठीक है, ये डायमंड पे जब हम लोग का अंदर जाएगा लाइट, तो लाइट अंदर जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा भी इंसिडेंट एंगल 25 से ज़्यादा होगा तो वो और बाहर नहीं आ पाएगा, वो अंदर चला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, बार बार वो जो घटकता रहता है इसके अंदर जाके टकराता रहता है, टकराता रहेगा लाइट ऐसे ऐसे टकराता रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या करता है, हमको लगता है कि डायमंड ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, डायमंड जो है ग्लो कर रहा है। ये जो ग्लो नेचर होता है ये किस लिए होता है, उसका जो डायमंड का जो शेप है और उसके क्रिटिकल वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अंदर पे, जिसके वजह से लाइट को, कभी कभी बोलते हैं ना डायमंड को अगर अंधेरे में भी रखो वो चमकता है, किस लिए, क्योंकि उसके अंदर तो लाइट ट्रैप्ड है ना, उसके अंदर लाइट है जो हमको दिखता है कि अंदर है, तो इसलिए वो ग्लो करता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या जो है डायमंड किस लिए हम लोग को ग्लो करता हुआ दिखता है। ये भी क्या है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं। डिपेंड करता है, पहला तो है कलर ऑफ लाइट, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कलर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, और ऑब्वियसली म्यू भी जो है वो भी कलर के ऊपर, तो ठीक है वो एक चीज हो गया। सेकंड है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो बढ़ेगा तो मटेरियल का जो अंदर ये है वो भी बढ़ेगा, तो वो सब क्या करता है म्यू को वैरी करवाता है। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल जो है क्या डिपेंड करता है हम लोग का, एक तो कलर पे या वेवलेंथ बोल सकते हैं, और एक है टेम्परेचर पे, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते कुछ हम लोग अभी केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी से हम लोग को पता चल जाएगा हो क्या रहा है हम लोग का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि सुविधा हो, ये मेरा हो गया है 90 डिग्री, ये मेरा है 45 डिग्री, यहाँ पे भी है 45 डिग्री। अब मान लो इस टाइप का एक मैं ग्लास लिया, उसमें ये है मेरा ग्लास, ठीक है, ये क्या है ग्लास है, यहाँ पे मेरा जो स्ट्राइक कर रहा है लाइट, कर लाइट स्ट्राइक करेगा, मैं एरो ऑलरेडी बना दिया हूँ, ये मेरा 90 डिग्री पे किया तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सीधा आ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे जो है नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री, ये भी मेरा 90 डिग्री, ये मैं अगर ऐसे बनाया ये मेरा 90 डिग्री होगा, तो अब ये देखो ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये जो है मेरा कितना बन जाएगा 45। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे, ये जो जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 45 डिग्री पे हुआ, 45 डिग्री पे हुआ, मतलब ग्रेटर देन 42 डिग्री। अब 42 डिग्री से जो अगर ग्रेटर होता है मेरा क्या करेगा, बाहर रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा, वही 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया। अब 45 डिग्री पे जब ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से, ये निकल जाएगा ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर मैं ये क्या, किस टाइप का ट्रायंगल है ये मेरा, क्या है आइसोसेलिस, राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल में अगर मैं एक साइड से लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली डालूं, ठीक है, एक साइड से, तो दूसरे साइड से परपेंडिकुलरली मेरा लाइट निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है
मेरा 100% लाइट क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री में मैं डेविएट कर पा रहा हूँ, मतलब मैं लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट कर पा रहा हूँ इस जो है प्रिज्म को लेके। तो वैसे ही मेरा दूसरा एक, अगर यहाँ पे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो कि मान लो ऐसा वाला, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, तो मेरा यहाँ पे दूसरा एक लाइट जाएगा, ये पॉइंट्स जाएगा, ये मान लो ए से गया था ब्लैक वाला, यहाँ पे ए डैश इमेज फॉर्म होगा, वैसे ही ये ऐसे जाएगा, ये से पैरेलली जाएगा और यहाँ से ऐसे डेविएट होके ऐसे आएगा, मतलब ये हो जाएगा बी डैश। तो मैं ये क्या हो गया, लैटर जो है मेरा जो शिफ्ट किया 90 डिग्री इमेज शिफ्ट किया, मतलब ये जो ऐसा था मेरा इमेज अब फाइनली ऐसे बन गया है। तो ये क्या किया, इस प्रिज्म को यूज करके मैं वो इमेज को क्या किया, 90 डिग्री डेविएट कर पाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है चीज में, देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें दूसरा एक बना है, मान लो मैं ये देता हूँ ए, इसको इसको देता हूँ बी, अब देखते हैं लाइट कैसे इसको इस प्रिज्म से जाके क्या चीज हमको मिलता है। ये जो लाइट है ऐसे गया परपेंडिकुलरली, ये मेरा वही 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री। ठीक है, अब जब यहाँ पे आके यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये जो है मेरा कितना था 45 डिग्री, ये था 90 डिग्री। ठीक है, अब तो ये मेरा हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये मेरा जो पर ये जो होगा मेरा क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल होगा जो कि 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल बन जाएगा मेरा 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ग्रेटर देन 42 डिग्री है, जो कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये पूरा ऐसे पैरेलली ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे वही 45 डिग्री, वही 45 डिग्री, वही 45 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा वही 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो ये वाला जो पोजीशन होगा आया है, ये बी डैश लिख देता हूँ। अब वैसे ही मेरा ए डैश से जो आएगा वो मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ, क्लियरली पता चलेगा तब आपको, ये मेरा लाल से बना। ठीक है, ये गया यहाँ पे गिरा, फिर ऐसे यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ से वैसे यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे समझ जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए डैश, तो मेरा क्या हो गया, देखिए पूरा इन्वर्ट हो गया, इमेज जो है पूरा क्या हुआ, परपेंडिकुलरली इन्वर्ट करा दिया इस प्रिज्म को यूज करके। ठीक है ना, ये जो प्रिज्म क्या है, एक तो मेरा 90 डिग्री पे डेविएट कर दिया, और एक क्या किया, देखिए पूरा कम्प्लीटली उल्टा कर दिया। ठीक है, 180 डिग्री से। अब बढ़ते हैं और क्या कर सकता है, मान लीजिए मेरा यहाँ से ये है ए, ये है बी। ठीक है, अब ये जो मेरा लाइट आया इसको भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आया, ये मेरा था क्या 90 डिग्री था, ये था 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो आएगा ये मेरा ऐसा थोड़ा बेंड होगा। ठीक है, बेंड होने के बाद यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री जो है ये भी मेरा 45 डिग्री होगा, तो ये मेरा 45 डिग्री होगा, ये मेरा 45 डिग्री पे आ रहा था। ठीक है, तो जब 45 डिग्री आएगा ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा, ये 45 डिग्री पे तो बना के जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 45 है, ऐसे जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा ऐसे आएगा, ठीक है, दूसरा ऐसे आया वो भी क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और वो भी ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट और नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका जो है क्रिटिकल एंगल से कम आ रहा है। ठीक है, ये और उतना नहीं रहेगा जितना यहाँ पे था, तो ये क्या होगा, हम लोग का ये वाला जो ए है ये बन जाएगा ए डैश, और ये जो बी है ये हो जाएगा बी डैश। तो मेरा ए मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये भी क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इन्वर्ट हुआ इमेज। ठीक है, इमेज यहाँ पे इन्वर्ट हुआ, ए बी पूरा ऐसा था उल्टा हो गया। ये दो चीज में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरा जो लैटरल डेविएशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इमेज था यहाँ पे बना, पर यहाँ पे जो है सीधा देखो इसी पैरेलल पे बना दिया इमेज, मतलब तुम्हारा जो है लैटरली कुछ शिफ्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, लैटरल शिफ्ट नहीं आ रहा है।
शिफ्ट आ रहा है, दिस इज शिफ्ट विदाउट डेविएशन, दिस इज शिफ्ट विथ डेविएशन, मतलब सॉरी इन्वर्टेड विदाउट डेविएशन, दिस इज इन्वर्टेड विथ डेविएशन, ये हम लोग का बन गया एक जो इस आइसोसेलिस ट्राइंगल का तीन केस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें, इसमें जो है वही सेम चीज़ है मेरा, वही बनाऊंगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, ये है 90 डिग्री और ये है मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है तीन तरफ से 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। जब ये यहाँ से मेरा ऐसे घुसेगा, ये ऐसे घुसता जाएगा, अब घुस के यहाँ पे लगते ही ये मेरा 60 है तो ये मेरा 30 होगा, और यहाँ से यहाँ अगर मेरा 90 है तो ये मेरा 60 होगा। तो 60 डिग्री पे जब ये मीट करेगा तो करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे ऐसे फिर ये 60 डिग्री पे रिटर्न करने वाला है। 60 डिग्री पे रिटर्न करते ही यहाँ पे मेरा आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री आते ही ये फिर यहाँ पे और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा ये चेंज हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा मेरा रे। ठीक है, ये जो रे घुसा है ये बाहर आ जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये जो है नॉर्मली हम लोग का डेविएशन थ्रू 60 डिग्री एक हम लोग बना दिए हैं। तो आते हैं ये भी हम लोग बनाते हैं, ये है मेरा जो रे है, ये मेरा रे क्या करेगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसी टाइप का एक ग्लास में घुसने वाला है, ये जो 90 डिग्री पे घुसते ही ये पूरा आएगा सीधा आके टकराएगा यहाँ पे, सीधा आके टकराते ही ये अगर 60 होगा ये मेरा होगा 30 डिग्री, यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल बनाता हूँ ये मेरा होगा 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री विच इज क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से मेरा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये मेरा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये बन जाएगा कितना 90 डिग्री, मतलब ये नॉर्मल के सीधा ही आ रहा है तो ये पूरा ऐसे सीधा निकल जाएगा, तो ये मेरा ऐसे सीधा सीधा निकल गया, तो यहाँ से यहाँ ये जो एंगल बना ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डेविएट करने में ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हेल्प किया है। ठीक है, सिंपल सा था। फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे मेरा ये एक दिया है, ये भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन हम लोग शायद किए थे या कुछ, जो भी इसको हम बढ़ाते हैं, हम लोग का ये एक इमेज दिया है। ठीक है, इसको ए पकड़ते हैं, इसको यहाँ पे बी पकड़ते हैं, इस इमेज से मेरा अगर लाइट यहाँ पे जाता है, ये हम कर चुके हैं 45 45 60, ये सीधा जाएगा यहाँ पे, और ये जो है मेरा 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 बनेगा, इंसिडेंट 45 पे होगा तो अब फिर से क्या करेगा रिफ्लेक्ट 45 पे, ये 45 पे रिफ्लेक्ट करता है तो ये पैरेलल ऐसे आने वाला है, सीधा यहाँ से निकल जाएगा, सीधा निकल के फिर यहाँ पे लगेगा, लगते ही ये मेरा क्या हो जाता है 45 डिग्री फिर से, हाँ क्योंकि ये 45 है तो 45 मतलब फिर से ये करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 45 डिग्री का, फिर ये आ जाएगा पैरेलल यहाँ से, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा लाइट, मतलब ये जो मेरा बी वाला लाइट गया था यहाँ पे बी डैश होके निकला है, वैसे ही ए वाला जो एस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वही सेम चीज होने वाला है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे यहाँ से निकलना वाला है जो कि है मेरा ए डैश, तो यहाँ से क्या हो गया वही चीज, देखिए पूरा जैसा था इमेज वैसे ही बना है, पर क्या हुआ शिफ्ट हुआ, इसी को कि हम लोग क्या पेरिस्कोप यूज करते हैं सबमरीन में, सबमरीन में पनडुब्बी में है, अब हमको देखना है क्या ऊपर कोई है कि नहीं। ठीक है, नीचे ये पानी है, पानी के ऊपर आएंगे तो हम लोग को देख लेंगे, तो हम लोग का क्या यूज करेंगे पेरिस्कोप, यहाँ से हम लोग देखेंगे, हमको दिखना चाहिए ये चीज, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये वाला चीज पे हम लोग क्या रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्टर या तो हम कांच के मिरर यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरा पेरिस्कोप है ऐसे देख रहे हैं तो मैं अगर ऐसा एक मिरर यूज करता हूँ तो यहाँ से लाइट निकल के यहाँ से निकलेगा, पर इसमें क्या होता है मेरा लाइट लॉस होता है, तो हम लोग क्या इस टाइप का एक चीज यूज कर सकते हैं, ये मेरा बन गया पेरिस्कोप। ठीक है, ये ऐसा अगर यहाँ से ऐसे बना दूँ और यहाँ से ऐसे और यहाँ से, ठीक है,
ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूंगा, ठीक है, यहाँ से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये चीज, सही है ना। तो ये जो चीज़ दिखेगा ये पेरिस्कोप में यूज हो सकता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के वजह से लाइट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। बढ़ते हैं फिर आगे, यहाँ एक 30, 60 और 90 का दिया हुआ है। अब ये लाइट कैसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इस सीधा यहाँ पे टकराएगा, ये मेरा है 60 डिग्री, ये मेरा है नॉर्मल, तो ये बन जाएगा मेरा 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा तो ये और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ बना नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर यही चीज़ को मैं यहाँ से डालूँगा, यहाँ से ये मेरा 30 डिग्री था, यहाँ से परपेंडिकुलरली आया, यहाँ पे टकर, ये जो है मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, ये निकल जाएगा वैसे ही बाहर, ठीक है, ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो इसमें भी कुछ हुआ नहीं, हाँ, तो ये क्या है, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हुआ। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होगा, मेरा यहाँ से ये जो लाइट है यहाँ से घुसा, यहाँ पे जाके टकराएगा यहाँ पे, ये मेरा है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो मेरा क्रिएट हुआ, ये मेरा क्रिएट हुआ 60 डिग्री एंगल का इंसिडेंस, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 42 डिग्री है, तो यहाँ पे करेगा रिफ्लेक्ट, जो है ये 60 डिग्री का रिफ्लेक्ट करेगा, ये मेरा 30 डिग्री, और यहाँ पे मेरा जो है बना है ऑलरेडी 30 डिग्री, तो 30 कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये जो लाइन जाएगा ये बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री। और यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल डालता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया तो ये मेरा फिर अभी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ मेरा क्या हुआ, 30 डिग्री से यहाँ से ग्रेटर हुआ, ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो ये जो मेरा ये गया है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। और हम लोग का ये तीन टाइप का ये जो प्रिज्म है इसमें भी देख लिए। नेक्स्ट और एक क्या है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इस बार यहाँ पे डाले थे, अब यहाँ पे इसका ठीक इस साइड पे, तो ये मेरा हो जाएगा, ऐसे आएगा, ये मेरा था कितना 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, तो ये जो नॉर्मल से होगा ये मेरा होगा 60 डिग्री, तो इससे क्या करेगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा 60 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, यहाँ पे फिर मैं बनाऊंगा तो ये जो चीज़ है यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये सारे ना क्या है, एक तरह से क्वेश्चंस है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा एक प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट डालो कहाँ कहाँ जा रहा है, आपको बस ड्राइंग से निकालना है, सिंपल सा बात है, आपको थोड़ा ज्योमेट्री आना चाहिए, ज्योमेट्री के हिसाब से आप ग्रेटर देन 42 डिग्री हो रहा है कि नहीं इन केस ऑफ ग्लास, अगर वाटर सरफेस दे रहा है तो ग्रेटर देन 49 डिग्री हो रहा है कि नहीं वही चेक करना है, अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्ट करेगा, इसमें और कुछ फंडा नहीं है, सिंपल है, खत्म। हम लोग बढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो उस रिफ्लेक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे अच्छा वाला जो एग्जाम्पल है वो है मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज फॉर्मेशन क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जो डेजर्ट में क्या है, पानी नहीं होता है पर लगता है जैसे पानी है, ठीक है। ये एक आदमी जा रहा है, क्या आदमी गर्मी में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से लेयर जो एयर है ना, एयर में लेयर बन जाता है, लेयर ऑफ एयर बन जाता है। तो जैसे नीचे यहाँ पे एक लेयर ऑफ एयर, यहाँ पे एक लेयर ऑफ एयर, यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लो पेड़ है, क्या है पेड़ है, अब ये जो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अब ये जो पेड़ है इसमें नारियल है, पर ये जो एयर है नीचे वाला गर्मी के वजह से क्या होगा, लेस डेंस, ठीक है, लेस डेंस या फिर रेयर, ये बोलता है रेयरर मीडियम है, और ऊपर जो है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आने के टाइम पे तो हम लोग का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो ये जो ये वाला जो है हम लोग का क्या है, जो फल है या फिर ये जो कोकोनट है, कोकोनट से हम लोग का क्या आया, लाइट आया, लाइट ऐसे आ रहा है, नीचे गिरेगा, नीचे गिरते गिरते क्या होता है, बिकॉज ये डेंसर टू रेयरर आ रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करते करते एक
ऐसे लेयर पे टकराता है पे उसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट किया, तो क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसे नीचे आते 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 ये पूरा ये गया यहाँ से पूरा रिफ्लेक्ट कर गया, टोटल इंटरनली रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना मेरा क्या है, कोकोनट है, ये कोकोनट जाके रिफ्रैक्ट करके मेरे आँख में घुस गया। इस आदमी जो है, ये आदमी थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये आदमी के आँख में ये लाइट घुस गया। अब इस आदमी को दिख रहा है क्या, ये तो सीधा देखेगा ना, ये दिखेगा उस यहाँ पे उसका कोकोनट है, इसका मतलब क्या, उसको लगेगा ये पानी है। तो ये होता है मिरेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोग का कभी कभी देखते होंगे बाइक में, बहुत धूप में जा रहे होंगे तो हम लोग को दिखता है जैसे ये सड़क में क्या है, गर्मी के दिन में सड़क में क्या है, पर वो पानी होता नहीं है। ठीक है, मिरेज फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा जो हम लोग का एप्लीकेशन है, डायमंड का बोल लिया। डायमंड क्या है, अंदर अपना लाइट ले लेता है और लाइट लेने के बाद और ऊपर आता नहीं है, लाइट उसके अंदर ही रिफ्रैक्ट करने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिसके वजह से वो डायमंड ग्लो करता है। ये एक है उसका एग्जांपल। और क्या होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो है आप देखे होंगे, जो नॉर्मल हम लोग का ट्यूब रहता है, वो ट्यूब के अंदर हम कुछ भी भेजते हैं लाइट वगैरह, तो लाइट क्या है धीरे धीरे कम हो जाता है। पर अगर ऑप्टिकल फाइबर जो वायर है उसके अंदर हम लोग का क्या रहता है, मटेरियल दिया रहता है ग्लास टाइप का, तो उसके जो हम लोग जब लाइट छोड़ते हैं, लाइट जब जाता है तो लाइट क्या करता है वहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है बिकॉज ऑफ द जो मटेरियल। ठीक है, तो उसके अंदर वो फंस जाता है लाइट और लाइट बाहर नहीं आ पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और पूरा लाइट जो है वो कंजर्व रहता है। और इस यही प्रिंसिपल यूज़ करके हम लोग उसी जो है यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ये कुछ थे हम लोग का एप्लीकेशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो जाता है लाइट का जो है ये चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ लिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसको भी पढ़ लिया, और बहुत सारा रिफ्रैक्शन के टर्म्स जो है उसको सारा चित्र छवि बना लिए, फोटो बना लिए। अब हम लोग को ये वाला चैप्टर जो है पूरा अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर को पढ़िए, और जो जो मैं पढ़ाया हूँ उसको बार बार देख के आप लोग इससे अच्छे से सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।